स्टूडेंट्स, आज हम सभी हिंदी व्याकरण विषय के अंतर्गत समास नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। ओके, तो बच्चों, जो हमारा समास शब्द है वो संस्कृत धातु अस में सम उपसर्ग जोड़ने से बना है। कैसे बना है? संस्कृत धातु अस में सम उपसर्ग जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण। तो इस प्रकार बच्चों, समास का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो हुआ संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। ठीक है, अब आइए हम समास की परिभाषा के विषय में जानते हैं। ओके, तो दो या दो से अधिक पदों के मिलने से, ठीक है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से नया पद बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। एक बार फिर से परिभाषा पे ध्यान देते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से नया पद बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। अब आइए हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, जैसे हमने देखा गंगा जल, राजपुत्र, तशानन, कमल नयन आदि। अब आइए हम ये जानते हैं कि सामासिक प्रक्रिया में जो दो पद होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो पहले का नाम जो है वो पूर्व पद है, और जो दूसरा है उसका नाम है उत्तर पद। पहला नाम मैंने बताया पूर्व पद, और जो दूसरा नाम बताया वो बताया मैंने उत्तर पद। अब आइए हम जानते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं। तो बच्चों, सामासिक प्रक्रिया में या समास की रचना में जो पहला पद आता है वो क्या कहलाता है? पूर्व पद कहलाता है। ठीक है, अब आइए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने एक पद लिया गंगा जल, ठीक है, गंगा जल हमने उदाहरण के लिए लिए लिया। तो जो इसमें गंगा जो है वो क्या हो गया? गंगा हमारा पूर्व पद है। पूर्व पद का मतलब होता है जो पहले आए। तो गंगा जल में पहले क्या क्या है? पहले इस शब्द में पहले गंगा शब्द आया है ना, या गंगा पद आया है, तो इसलिए गंगा क्या हो गया? गंगा हमारा पूर्व पद हो गया। ओके, अब आइए हम देखते हैं इसी तरीके से कि उत्तर पद क्या होता है। तो बच्चों, समास रचना में जो दूसरा पद होता है, मतलब जो बाद का पद आता होता है या जो पद बाद में आता है, वो उत्तर पद कहलाता है। ओके, अब इसके लिए भी देखिए, गंगा हमारा पूर्व पद हो गया। ओके, ये जो जल है ये हमारा क्या हो गया? जल हो गया उत्तर पद, क्योंकि गंगा पद जो है या जो गंगा शब्द है ये पहले आया, इसलिए ये पूर्व पद कहलाया, और जो जल है वो बाद में आया, इसलिए ये उत्तर पद कहलाया। ओके, इसी तरीके से हम जो दूसरा उदाहरण है वो देखते हैं। राजपुत्र, राजा का पुत्र, या हम इसको अलग अलग करते हैं तो राज प्लस पुत्र, तो इसमें ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा पूर्व पद, और ये कहलाएगा हमारा उत्तर पद। ओके, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया गंगा जल, गंगा जल में गंगा पद जो है वो पहले आया, इसलिए वो पूर्व पद कहलाया, और जल शब्द पद जो है वो बाद में आया, इसलिए वो उत्तर पद कहलाया। इसी तरीके से राजपुत्र में जो राज शब्द है वो पूर्व पद है, क्योंकि वो पहले आया है, और जो पुत्र है वो बाद में आया है, इसलिए वो उत्तर पद कहलाया। तो अभी हमने पढ़ा कि समास, तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा समास समास शब्द है वो संस्कृत धातु अस में सम उपसर्ग जोड़ने से बना, जिसका अर्थ हुआ संक्षिप्तीकरण। तो इस प्रकार बच्चों, समास का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो हुआ संक्षिप्तीकरण या संक्षेपीकरण। फिर हमने समास की परिभाषा पढ़ी कि दो या दो से अधिक पदों के मिलने से नया पद बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो समास कहलाती है। उदाहरण के लिए हमने देखा जैसे गंगा जल पहला पद और दूसरा पद, इन पदों के मिलने से जो नया पद बना वो बना गंगा जल। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई? समास कहलाई। उसके बाद हमने जाना कि जो सामासिक प्रक्रिया में जो दो पद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उसमें हमने जाना कि जो पहला पद होता है सामासिक प्रक्रिया में वो पूर्व पद कहलाता है, और जो बाद का पद होता है वो उत्तर पद कहलाता है। तो अब आइए हम इसके आगे
जानते हैं कि समस्त पद या सामासिक पद क्या होता है। तो सामासिक प्रक्रिया से बने शब्द, ठीक है, सामासिक प्रक्रिया से या सामासिक नियम से जो शब्द बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? समस्त पद कहलाएंगे। उदाहरण देखिए, जैसे हमने एक उदाहरण लिया गंगा का जल। अब जब हम इसमें सामासिक नियम लगाएंगे तो ये किसमें परिवर्तन हो जाएगा? परिवर्तित होगा गंगा जल, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा समस्त पद। ये जो गंगा का जल है ये पदों का समूह है, लेकिन जब हमने इसमें सामासिक नियम लगाया, सामासिक प्रक्रिया अपनाई, तो ये कैसे परिवर्तित हो गया किसमें? समस्त पद में। और ये गंगा का जल ये जो है ये परिवर्तित होके बन गया गंगा जल में। संक्षिप्तीकरण मतलब हमने इसको शॉर्ट कर दिया। जैसे हम बोलते हैं गंगा का जल, लेकिन अगर हमने बोला गंगा जल तो ये छोटा शब्द हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि समस्त पद सामासिक प्रक्रिया से, सामासिक नियम से इससे जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? वो समस्त पद कहलाता है। तो अब आइए हम जानते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। तो बच्चों, समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया, ये जो समस्त पद है हमारे पास, जब हम इसको अलग अलग कर देंगे मतलब पुनः इसी स्थिति में वापस ले आएंगे जैसे था वैसी स्थिति में उसे फिर से वापस ले आएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो समास विग्रह कहलाएगा। विग्रह का मतलब ये होता है अलग अलग करना, मतलब जब समस्त पदों को हम लोग पुनः उसी स्थिति में वापस ले आएंगे, मतलब वो जैसे था उसी स्थिति में उसे वापस ले आएंगे, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वो प्रक्रिया समास विग्रह कहलाएगी। उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे गंगा जल। अब देखिए गंगा जल क्या है? ये एक, देखिए ये है समस्त पद, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे समास विग्रह पढ़ रहे हैं, तो अब हमें इसका विग्रह करना है, मतलब इसको अलग अलग करना है, इसको इसकी पहले की स्थिति में वापस ले आना है। तो ये क्या बन जाएगा? गंगा का जल, ये हो जाएगा समास विग्रह। अगर हम पदों के समूह को ऐसे बनाते हैं, एक पद मतलब करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये समस्त पद कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसी समस्त पद को अलग अलग कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो समास विग्रह कहलाएगा। अब इसी तरीके से राजपुत्र, अब ये भी क्या है? ये भी है समस्त पद, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका समास विग्रह करना है। तो आइए हम इसका भी विग्रह करते हैं। राजा का पुत्र, तो अब हमने इसको अलग अलग कर दिया। राजपुत्र, हमें पता है कि किसी राजकुमार की बात हो रही है, राजा के पुत्र की बात हो रही है, राजा के बेटे की बात हो रही है। लेकिन हम लोग अगर राजपुत्र ना कहते, राजा का पुत्र अगर हमने बोल दिया, तो ये क्या कहलाया? ये भी कहलाया समास विग्रह, ठीक है। तो अब देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि सामासिक प्रक्रिया में दो पद होते हैं। जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, और जो बाद का पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो आइए अब हम इसमें भी यही चीज देखते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा पूर्व पद, और ये कहलाएगा हमारा उत्तर पद, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए, जैसे मैंने एक शब्द लिखा या एक पद लिखा, ऋषि और मुनि, ठीक है। पहले मैंने लिखा ऋषि और मुनि, फिर इसको मैंने दूसरी तरीके से लिखा ऋषि, बीच में मैंने योजक चिन्ह दिया और लिखा मुनि, ठीक है। तो ये क्या कहलाया? ये वाला भाग कहलाया पदों का समूह, ठीक है। और ये वाला भाग क्या कहलाया? ये वाला भाग कहलाया समस्त पद, ठीक है। तो अब देखिए, इसको इस स्थिति में लाने के लिए हमने एक नियम लगाया,
क्या कहलाया? गुणियम समास कहलाया कि हमने इस अवस्था से जब इसको इस अवस्था में परिवर्तित किया तो हमने जिस नियम का प्रयोग किया वो कहलाया समास। हमने सामासिक प्रक्रिया का प्रयोग किया, ठीक है। तो ये जो पदों का समूह था ये समस्त पद में परिवर्तित हो गया। अब अगर हम इसी को रिवर्स कर दें, मान लीजिए अगर हम इसी को परिवर्तित कर दें, आप देखिए पहले हमने इसको इसमें परिवर्तित किया तो हमने जो नियम लगाया वो क्या लगाया, वो क्या कहलाया, वो समास कहलाया। फिर हमने इसी चीज को रिवर्स कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, तो हमने ये इसको उठा के इसमें, मतलब अगर इस अवस्था से इसको इस अवस्था में हमने चेंज किया तो वो क्या कहलाएगा। इसके लिए भी हमने एक नियम का प्रयोग किया, इसके लिए हमने जिस नियम का, समस्त पदों को, पदों के समूह को समस्त पदों में परिवर्तित करने के लिए हमने जिस नियम का प्रयोग किया वो समास कहलाया। अब इसी तरीके से पदों के समूह को, सॉरी समस्त पद को पदों के समूह में बदलने के लिए, ठीक है, हमने जिस नियम का प्रयोग किया वो क्या कहलाया, देखिए वो कहलाया समास विग्रह, ठीक है। विग्रह, समास विग्रह मतलब होता है अलग अलग कर देना। ये जो एक पद था ऋषि और मुनि, हमने इसको इसमें नियम लगाया समास विग्रह और इसके बाद हमने इसको पदों के समूह में बदल दिया कि जो ऋषि मुनि था हमने उसको ऋषि और मुनि में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें भी हम लोग समझते हैं, जो ये ऋषि है ये हो गया हमारा पूर्व पद और ये जो मुनि है ये हो गया हमारा उत्तर पद, ठीक है। तो देखिए मैंने आज आपको बताया कि समास शब्द जो है वो संस्कृत धातु अस में सब उपसर्ग जोड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ संक्षेपीकरण। फिर हमने समास की परिभाषा पढ़ी, फिर हमने पढ़ा सामासिक प्रक्रिया में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। फिर हमने ये जाना कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। उसके बाद हमने जाना समस्त पद क्या होता है। उसके बाद हमने जाना कि समास विग्रह क्या होता है। तो बच्चों समास के जो मुख्य अंग हैं, जिन चीजों का प्रयोग समास में किया जाता है, अब हमें उन सब चीजों का ज्ञान हो चुका है और इसके बाद जब हम समास विग्रह करेंगे या समस्त पद बनाएंगे या जो भी समास के भेद पढ़ेंगे हम